दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले अगली वीडियो आप मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, स्मार्टफोन की लत किसी के लिए भी हानिकारक है, फिर चाहे वो बच्चे हो या फिर बड़े। एक तरफ जहां स्मार्टफोन के ज्यादा इस्तेमाल से बच्चों के बर्ताव में बदलाव आता है, वहीं दूसरी ओर कपल के बीच के रिश्ते को भी खराब कर सकता है। नींद में कमी, व्यक्तिगत रिश्तों में समय की कमी इत्यादि कई कारण हैं जो इस दिक्कत को जन्म देते हैं। अगर स्मार्टफोन को स्मार्टली इस्तेमाल नहीं किया गया तो कई तरह की बेवकूफियों को जन्म दे सकता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अगर प्रोफेशनल या पर्सनल कारणों से भी फोन से दूरी बनाना संभव न हो तो क्या किया जाए? आखिर इस लत से छुटकारा कैसे मिले? चलिए इसके लिए आपको बताते हैं 7 रामबाण उपाय। इन्हें इस्तेमाल करके न सिर्फ फोन का सही इस्तेमाल कर पाएंगे बल्कि वर्चुअल लाइफ के बजाय रियल लाइफ को भी एंजॉय कर पाएंगे। 1. नो फोन जोन बनाएं। दोस्तों, फोन को अपने बेडरूम में चार्ज करना बंद करें, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां आप खुद को रिचार्ज करते हैं। इसके साथ ही किचन को भी नो फोन जोन में शामिल करें। खासकर उन अभिभावकों को ये जरूर करना चाहिए जो अपने बच्चों को फोन की लत से दूर रखना चाहते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों पर कड़ाई करके उन्हें खाने के टेबल पर सिर्फ फैमिली तक सीमित करें। 2. नो फोन टाइम भी तय करें। दोस्तों, जैसे घर में फोन कहां कहां इस्तेमाल किए जाएंगे ये तय कर दिया, ठीक वैसे ही फोन का इस्तेमाल कब कब और कितने समय तक किया जाएगा ये भी तय कर दें। जैसे ही आप ऑफिस से घर वापस आने के बाद पूरा परिवार इकट्ठा होते ही फोन को दूर कर दें। ऑफिस से खत्म करके आने के बाद फोन की कोई ऐसी जरूरत होती भी नहीं, और अगर इतना ही जरूरी होगा तो लोग आपको फोन कर ही लेंगे। एक बार ऐसा करके देखिए, नींद भी सही आने लगेगी, शादीशुदा जिंदगी में सुकून भी दिखेगा, घर और ऑफिस के बीच का बैलेंस भी बना रहेगा। मतलब ये कि जीवन में थोड़ी शांति तो आ ही जाएगी। 3. सोशल मीडिया की सफाई जरूर करें। दोस्तों, समय समय पर सोशल मीडिया से दूरी बनाना रिश्तों के साथ साथ सेहत के लिए भी लाभदायक होता है। हालांकि इसके लिए कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी आप शुरुआत एक हफ्ते के लिए सोशल मीडिया से दूरी बनाकर कर सकते हैं। इस दौरान आपको ये भी पता चल जाएगा कि सोशल मीडिया की लत ने आपको कितनी बुरी तरह से जकड़ रखा है और इसे छुटकारा पाने में आपको कितनी दिक्कत होगी। शुरुआत में आप सोशल मीडिया के अपने दोस्तों को इस बात की जानकारी दे दें, उसके बाद इसे नियमित तौर पर प्रैक्टिस करें और धीरे धीरे इस समयांतराल को बढ़ाएं। 4. नोटिफिकेशन को बंद कर दें। दोस्तों, बच्चों के अलावा शायद ही ऐसा कोई हो जिसके बकवास बचकाने बातों को बर्दाश्त कर लेते हैं। नोटिफिकेशन वैसे ही लोगों का वर्चुअल वर्जन है, तो ऐसे लोगों को टाटा बाय बाय करने में हिचकिचाए मत। नोटिफिकेशन लोगों की हृदय गति को बढ़ा देते हैं, चिंता बढ़ा देते हैं, क्योंकि आपका ध्यान इसी में अटका रहता है कि आखिर मैसेज में क्या लिखा होगा, और अगर तुरंत नहीं देख पाए तो बेचैनी होने लगती है। ये लत ही तो है। 5. अपनी दिक्कतों के हल के लिए ऐप का सहारा न ले। दोस्तों, स्मार्टफोन की तादाद बढ़ने के साथ ही एप्स की बाढ़ भी आ गई है। रोज नए ऐप लॉन्च होते रहते हैं। थोड़े समय के लिए ऐप लाभदायक हो सकते हैं, पर लंबे समय में ये किसी काम के नहीं। फोन की मुसीबत से बचने के लिए फोन का ही सहारा लेना एक मूर्खता है। 6. दोस्त बनाने की कोशिश करें। बच्चों के होने के बाद लोगों को दोस्त बनाने में काफी दिक्कत होती है, क्योंकि समय की कमी रहती है। लेकिन घर के बाहर भी कुछ दोस्त होने चाहिए, और अगर घर के बाहर आपके संगी साथी नहीं है तो फिर दिक्कत है। पेरेंटिंग कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेट करने वाला और अकेला कर देने वाला होता है। ऐसे में फोन को ही अपना साथी बना लेते हैं। ये सही है कि दोस्तों से बात करने और मिलने का प्लान बनाने के लिए आपको फोन की जरूरत होती है, लेकिन ये फोन का सही इस्तेमाल है। प्लान बनाइए, दोस्तों से अपना संबंध बनाकर रखें और उसके बाद फोन को किनारे कर दीजिए। 7. अपने परिवार के लिए समय निकालें। अपने निजी परेशानियों के लिए बच्चों को जिम्मेदार मानना गलत है, लेकिन स्मार्टफोन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से बचने में बच्चे फायदेमंद होते हैं। ये एक बड़ा ही सिंपल सा उपाय है। जब भी आपको अपने फोन का इस्तेमाल करने की जरूरत महसूस हो, अपने बच्चों या पार्टनर के पास चले जाए, उनके साथ बैठे और बातें करें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना, जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।